रीवा से है जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा है। इस दौरान अपनी मांगों के त्वरित निराकरण की मांग की है। पार्टी के द्वारा मुख्य रूप से किसानों की सबसे बड़ी समस्या खसरे की समस्या को लेकर, जिसमें नाम पटवारी गलत कर देता है या ऑपरेटर कर देता है, उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। सुधार के लिए किसान को तहसील से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक दौड़ना पड़ता है। आइए आपको सुनाते हैं ज्ञापन सौंपने पहुंचे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आनंद तिवारी को, जिन्होंने किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आज 5 सूत्री ज्ञापन रीवा संभाग के संभागीय आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किया गया है और उसमें त्वरित निराकरण की मांग की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से वर्तमान में जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, खसरे में नाम पटवारी गलत करता है या तो ऑपरेटर गलत करता है और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है, जिसके संबंध में किसान पहले SDO के यहाँ आवेदन प्रस्तुत करता है, अपना अधिवक्ता नियुक्त करता है और उसमें एक शासन द्वारा नया निर्देश जारी किया गया है कि अब 5 साल पुरानी फाइलें जो है कलेक्टर के यहाँ जाएगी। अब जब कलेक्टर के यहाँ वो फाइल जाती है तो एक एक साल तक सभी तहसीलों की फाइल एक एक साल से कलेक्टर के यहाँ डंप पड़ी है और उसमें उनके द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। एक बहुत बड़ी समस्या हो गई किसानों के लिए, वो गलत नाम होने के कारण उसका पूरा जो रिकॉर्ड है किसी योजना का, उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर वो बच्चियों की शादी करना चाहता है, बिक्री करना चाहता है, तो गलत नाम होने के कारण बिक्री नहीं हो रही है, एक ये है। दूसरा, बिजली विभाग में जो मनमानी तौर पर बिना मीटर रीडिंग लिए बिल दिया जाता है उसके संबंध में। तीसरा, सबसे प्रमुख चीज़ जो है, तो गाँव में आप चले जाइए तो ऐरा प्रथा जो थी उसमें पूर्व में जब कांग्रेस सरकार रहा करती थी तो कांजी हाउस की व्यवस्था होती थी। अब वर्तमान में BJP सरकार द्वारा गौशाला खोल दिया गया, गौशाला में मात्र भ्रष्टाचार हो रहा है, खरबों खरब रुपए उसके नाम पर, गौशाला के नाम पर बंदरवाट किया जा रहा है और गांव में किसानों की जो खेती है वो पूर्णतः बर्बाद हो रही है। इस शीतलहर का मौसम है, ठंडी है, किसान रात रात भर अपनी खेती ताकते हैं फिर भी नहीं बच पा रही है। चौथी समस्या, बेरोजगारी की वजह से जहां एक तरफ युवा हमारा खुशखुशी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हजारों की संख्या में बेरोजगार न मिलने से बच्चों की शादी नहीं हो रही है। लोग कहते हैं कि मुझे तो नौकरी वाला लड़का चाहिए, सरकार नौकरी दे नहीं रही है। इसके अलावा अन्य जैसे PM आवास हो गए, PM आवास में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, शहर में 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है और गांव में 1,20,000 दिया रहा है, जबकि गांव में भाड़ा जो वाहन का किराया है वो अतिरिक्त लगता है, वहां ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह शासन की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनका कहीं भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा 5 सूत्री ज्ञापन माननीय संभागायुक्त महोदय को सौंपा गया है और अगर इसका त्वरित 1 माह के अंदर निराकरण नहीं होता तो तहसील स्तर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। क्या आश्वासन मिला उनको? उनके द्वारा, कमिश्नर महोदय द्वारा कहा गया है कि यथासंभव शीघ्र निराकरण किया जाएगा। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7
6683151 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।